हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी, आप देख रहे हैं स्टार बॉडी वर्क्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये होंडा सिटी आई बीटेक है और इसका एसी प्रॉब्लम है। इसका एसी ऑन हो रहा नहीं, तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लोअर भी ऑन कर दिया हूँ और इसका एसी का बटन भी ऑन कर दिया हूँ। निकल इसका टेम्परेचर आप देख सकते हो 27.9 बता रहा है टेम्परेचर। तो इसका एसी कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, तो हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं ऑन हो रहा है इसका एसी कंप्रेसर। ब्लोअर तो ऑन है इसका, पर इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें गैस भी फुल है, तो हम इसका फ्यूज वगैरह चेक करेंगे। ये इसका फ्यूज बॉक्स है और मैंने इसका टोटल फ्यूज चेक कर लिया, तो इसमें कोई भी फ्यूज नहीं उड़ा है। मैंने मल्टीमीटर से चेक कर लिया हूँ, तो इसमें फ्यूज बराबर है, फ्यूज वगैरह तो कोई भी उड़ा नहीं है। और ये रिले, जितना भी रिले दिख रहे हैं, तो इसमें से एक भी रिले इसका एसी कंप्रेसर का नहीं है। इसका एसी कंप्रेसर रिले आगे आता है, तो मैं आपको बताता हूँ किधर आता है इसका एसी कंप्रेसर रिले। तो ये आप देख सकते हैं, ये हेडलाइट है और ये हेडलाइट के पीछे साइड में इसका रिले बॉक्स आता है। इसका रिले हो गया और इसका एसी का कंप्रेसर रिले ये है। ये रिले हम रिप्लेस करके देखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे एसी ऑन हो रहा है कि नहीं। तो ये मेरा फर्स्ट एक न्यू रिले है, ये मैं रिले दूसरा डाल के देखता हूँ। और ये रिले रहेगा आपका गाड़ी का रिले, ये वाला है, और ये दूसरा रिले। तो मेरा एसी तो उधर से ऑन कर दिया हूँ, अभी ये रिले डाल करके उसके बाद देखता हूँ कंप्रेसर ऑन हो रहा है कि नहीं। मैंने जैसा रिले लगाया इसका कट आवाज आया और इसका कंप्रेसर ऑन हो गया। अभी इसका हम टेम्परेचर चेक करेंगे, टेम्परेचर कितना बता रहा है कूलिंग का। हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है और इसका एसी ऑन कर दिया हूँ मैंने, देख सकते हैं एसी ऑन है, बटन भी ऑन है। और इसका टेम्परेचर अभी देख सकते हो 9.5 डिग्री टेम्परेचर तक आ गया है इसका कूलिंग। तो इसका एसी ऑन हो गया, इसका रिले जाने की वजह से इसका एसी ऑन हो रहा नहीं था, तो हमने दूसरा रिले रिप्लेस कर दिया हूँ और इसका एसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।